आज मैं आपको एक खास ट्रिक बताऊंगी जिसे फॉलो करके आप बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बना सकेंगे। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले आप चना दाल को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लीजिए अच्छे से धोने के बाद। 3 घंटे के बाद मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पर है 1 टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून अजवाइन और आधा टीस्पून क्रस्ट काली मिर्च, 3 मीडियम साइज के प्याज स्लाइसेस में कटा हुआ, अदरक और लहसुन कुटी हुई, कुछ कड़ी पत्ते और हरी मिर्च। पहले हम पूरे दाल को ग्राइंड करके निकाल देंगे। मैं खास ट्रिक के बारे में आपको आगे बताऊंगी, आप वीडियो की एंड तक देखें। अभी हम सब मसाले इसमें डाल देंगे। अब हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। एक बहुत बढ़िया टिप्स है आपके लिए, जब भी आप पकौड़े तलते हैं प्रिपरेशन टाइम आप 1-2 चम्मच ऑयल डाल दीजिएगा। इस टिप्स को आप किसी तरह की पकौड़े बनाते वक्त फॉलो कर सकते हैं। अभी हम सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैं हाथ से कर रही हूँ क्योंकि मुझे हाथ से मिक्स करना बहुत ही पसंद है, लेकिन आप चम्मच से भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको उस खास ट्रिक के बारे में बताऊंगी। आप क्या कीजिएगा, दाल को पीसने से पहले 2 चम्मच या 3 चम्मच इस तरह से साबुत निकाल के रख लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड करके निकाल रही हूँ और इसमें साबुत दाल जो रखे थे इसे भी डाल दीजिएगा। दाल की एक भाग आप बहुत ही फाइन पीस लीजिएगा, इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। इस तरीके को अपनाइए, आपकी दाल पकौड़ा बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आप चूल्हे पर कढ़ाई में तेल डाल के इसे गर्म कर लीजिए, ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अभी हम इस गर्मा गर्म तेल में एक एक करके पकौड़े डालेंगे। ये देख लीजिए मैं किस तरह से डाल रही हूँ। आपके पैन में जितना पकौड़े आ जाएं उतना आप डाल लीजिएगा। ये देखिए मैं एक एक करके पकौड़े किस तरह से डाल रही हूँ। पकौड़े डालते वक्त आप ऑयल के जस्ट ऊपर से डाल लीजिए, ज़्यादा ऊपर अगर डाल लेंगे तो तेल की छींटे आपके हाथ में पड़ सकते हैं, तो ध्यान से कर लीजिएगा। 1-2 मिनट हाई फ्लेम पे तलने के बाद आप थोड़ा फ्लेम को मीडियम कर लीजिए। मीडियम फ्लेम पे आप और 1-2 मिनट तल लीजिए। ऐसा करने से आपकी पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। आप देख सकते हैं पकोड़े का कलर सुनहरा हो गए हैं और ये तलकर तैयार हो गए हैं। अभी 4 से 4.5 मिनट हो गया है और पकोड़े हमारा तलकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप एक प्लेट पर किसी भी ऑब्जर्विंग पेपर रख लीजिए और पकोड़े को डाल दीजिए। अभी हम बाकी पकोड़े को भी तलकर तैयार कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। ये देखिए पकौड़े का कलर कितनी बढ़िया गोल्डन ब्राउन और बहुत ही क्रिस्पी हो गया है। अभी हम चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। अभी मैं कुछ पकौड़े इस प्लेट में निकाल के सर्व कर लूंगी।
इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक छिड़क लीजिए, और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। मैं इसे टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। मैं और नहीं रुक सकती, एक में एक खा रही हूँ अभी। आप भी इस बारिश के मौसम में इस तरह की पकौड़े बनाइए और अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूरी से शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।